Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका कविता के किचन में। तो आज हम बनाने वाले हैं पालक चना दाल की खिचड़ी। तो इसके लिए मैंने ले लिया है हाफ कप चावल, आधे से थोड़ा सा मैंने लिया, यानी कि 3 चम्मच मैंने लिया है तुवेर की दाल और 4 चम्मच मैंने लिया है मूंग की दाल। तो ये सबको हमें वॉश कर लेना है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले इधर आधा कप चावल है, 4 चम्मच मूंग की दाल है छिलके वाली और 2 चम्मच तुवेर की दाल है। इसको हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है 2 पानी से। अभी इसको हम एक कुकर में डाल देंगे। मैंने इधर 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ और इसके अंदर हम डाल देंगे एक मैंने काटा हुआ है आलू, थोड़े से मटर के दाने हैं और एक टमाटर है, इसको मैंने रफली चॉप किया हुआ है। इसके अंदर हम ये सब डाल देंगे और इसके अंदर मैं और 1/2 ग्लास में पानी डालूंगी, यानी कि मैंने इधर 1.5 ग्लास पानी डाला हुआ है। अभी हमें इसको पकाना है कुकर के अंदर, 4 सीटी हमें बजाना है। इसके बाद हमें ना पालक का ना प्यूरी बनाना है। तो उसके लिए मैंने इधर 1 कप भर के पालक ले लिया है, उसको हम एक पतीले में डालेंगे और उसके अंदर मैं डालूंगी 1/2 ग्लास पानी। इसको हमें गैस पे उबालना है। तो पालक को मैंने गैस पे चढ़ा लिया है, जब तक इसमें उबालना आए ना तब तक हमें इसको पकाना है। देखो इसमें ना उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने के बाद हमें इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है। पूरी तरह से उबाल आ गया है, अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करूंगी। अभी हमें इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो ये जो उबाला हुआ पालक है ठंडा हो गया है। अभी हमें इसको मिक्सी जार में डाल के, तो इसका जो पेस्ट है वो तैयार है, इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। देखो हमारी जो पालक की प्यूरी है वो तैयार है। तो ये जो कुकर है, कुकर में है ना 4 सीटी बज गई है और देखो हमारा जो खिचड़ी जो हम लोग ने पकाई थी वो तैयार है। करना इसमें थोड़ा सा 1/2 ग्लास पानी डालना है, आधे से भी कम, और इसको हमें विस्कर की मदद से थोड़ा सा मैश कर लेना है। करना है हमें इसको तड़का लगाना है। तो तड़के के लिए मैंने ले लिया है 1 कटा हुआ प्याज, ये है स्प्रिंग ऑनियन, अगर आपके पास ना हो तो आप ना डालिएगा, कोई बात नहीं, ये ऑप्शनल है। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है और ये है हमारा तैयार किया हुआ पालक का प्यूरी। आओ बनाना शुरू करते हैं। अभी मैंने एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, हमें ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। उसके अंदर हम सबसे पहले डाल देंगे अदरक और मिर्ची का पेस्ट। हम डाल देंगे 1 बारीक काटा हुआ प्याज। इसके बाद हम डाल देंगे स्प्रिंग ऑनियन, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमें इसको पकने देना है। ऑनियन है थोड़े से पक गए हैं, इसके अंदर हमें डाल देना है पालक की प्यूरी। प्यूरी को भी पकने देना है। 2 मिनट के बाद हमें इसके अंदर मसाला कर लेना है। मसाले के लिए मैं इधर डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी और 1 चम्मच हमें पाव भाजी मसाला डालना है। ये इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, इससे ना इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसके बाद हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद हम डाल देंगे हमारी पकाई हुई खिचड़ी, कुकर में पकाई हुई खिचड़ी, जिसे हमें मिक्स कर लेना है। देखो इसमें जो पालक का जो ग्रीन कलर है वो भी आ गया है, बॉडी बढ़िया लग रहा है। अभी इसके अंदर मैं 1/2 ग्लास पानी डालूंगी ताकि जो खिचड़ी है थोड़ी सी लूज हो जाए, क्योंकि खिचड़ी ना थोड़ी ढीली खाने में ही मज़ा है, ठीक खिचड़ी खाने में कभी भी मज़ा नहीं आता है। इसके साथ हमें अच्छे से पकाना है। तो ये जो पालक की खिचड़ी है उसमें 2 मिनट हो गए हैं, अभी हम ये अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं, अभी हमें सिर्फ इसमें तड़का लगाना है। तो अभी मैं गैस की फ्लेम बंद करूंगी। आओ चलो तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच घी ले लिया है और उसके साथ साथ मैंने ले लिया है सूखी लाल मिर्च ले लिया है, लहसुन के थोड़े टुकड़े ले लिया है, कड़ी पत्ता ले लिया है, टमाटर ले लिया है और 2 हरी मिर्च ले लिया है, ग्रीन 1 टेबलस्पून जीरा। इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हींग। इसके बाद मैं लहसुन है उसकी कलियां डालूंगी 5 से। उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर, कड़ी पत्ते, सूखी लाल मिर्च,
दो काटी हुई ग्रीन चिली। अभी मैं गैस का फ्लेम बंद करूंगी। तो इस पे हमें तुरंत ही तड़का लगा देना है। देखो हमारी जो पालक की जो खिचड़ी है वो तैयार है। तड़के के बाद इसमें जो टेस्ट है वो बहुत ही मज़ेदार आता है। अब एक बार ज़रूर इस तरह से बनाने का ट्राई कीजिएगा। और इसमें जो पाव भाजी का जो मसाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमने डाला है वो भी बहुत ही बढ़िया है। अब जब भी खिचड़ी को सर्व करो ना तो गर्म ही सर्व करो, क्योंकि ठंडी हो गई खिचड़ी ना ठीक हो जाती है। इसके ऊपर हम छोटे से ऑनियन डाल देंगे। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग। Here we are, we locked down in different cities, and I've heard to walk on-